जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल और इसके टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Naukri.com की प्रोफाइल किस तरह से बनाई जाती है एज ए फ्रेशर। तो सबसे पहले आप गूगल पर जाकर Naukri.com सर्च कीजिएगा, उसके बाद जो भी पहला लिंक आएगा उस पर जाकर क्लिक कर दीजिएगा। तो उसके बाद आप Naukri.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको तीन बटन दिख रहे होंगे, एम्प्लॉयर रजिस्टर और फॉर एम्प्लॉयर। यहाँ पर आपको रजिस्टर पर जाकर क्लिक करना पड़ेगा। जब आप रजिस्टर पर जाकर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा, फुल नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारी की सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। अब मैं आपको अगर ये सारी डिटेल डालकर बताऊं तो कैसे डाल सकते हो। फुल नेम में अपना नाम डालूंगा, नितिन मंगोत्रा। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी देनी पड़ेगी। जैसे अभी के केस में कोई डमी ईमेल आईडी यूज कर रहा हूं, businesswithnetman3@gmail.com। उसके अलावा आपको एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, तो आप इसके लिए कोई भी पासवर्ड रख सकते हो। देन उसके बाद आपको एक नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर नंबर टाइप करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं कोई रैंडम नंबर डाल रहा हूं, यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। देन उसके बाद आपके पास दो चॉइसेस होते हैं कि एज ए एक्सपीरियंस आप इसको बनाना चाहते हो या फिर एज ए फ्रेशर आप बनाना चाहते हो। तो यहां पर आप एज ए आई एम अ फ्रेशर पर जाकर क्लिक करिएगा, आई एम अ स्टूडेंट और हैव नॉट वर्क आफ्टर ग्रेजुएशन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। देन उसके बाद जब आप आई एम फ्रेशर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास करंट सिटी की ऑप्शन आ जाएगी। यहां पर आपकी जो भी करंट सिटी होगी उसको जाकर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपके पास रिज्यूमे अपलोड करने की ऑप्शन आएगी, यहां पर जाकर आपको रिज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा। रिज्यूमे अपलोड करने के बाद आपके पास एक और ऑप्शन आती है, सेंड मी इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप। अगर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहिए अपने व्हाट्सएप पे तो आप यहाँ पर जाकर टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सीधा जाकर रजिस्टर नाउ पे जाकर क्लिक कर सकते हैं। जब मैंने रजिस्टर नाउ पे जाकर क्लिक किया तो उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाला होगा उसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास कोई ओटीपी आएगा, उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अभी के केस में जो मैंने एक डमी नंबर डाला हुआ था उसके कारण मैं प्रॉपर वेरीफाई नहीं करके आपको बता सकता, लेकिन हाँ, आप यहाँ पर जाकर जो भी आपके पास ओटीपी आया होगा उस पर जाकर क्लिक करेगा और आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा और आपको जाकर कंप्लीट प्रोफाइल पर जाकर क्लिक करना होगा। आपको जितनी भी डिटेल होगी सारी की सारी आपको अपनी प्रोफाइल में डालनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा आप इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोफाइल में डालेंगे आपके उतने ही ज्यादा कॉल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि हमेशा अपनी Naukri.com की प्रोफाइल को हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेट जरूर कीजिएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, जब आपने कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक किया तो आपके सामने ये फॉर्म खुलकर आ जाता है, जिसमें सबसे पहले रिज्यूमे की ऑप्शन आती है। आपने ऑलरेडी एक रिज्यूमे अपडेट कर दिया हुआ है तो आपको ये चीज फिर से करने की जरूरत नहीं होती। देन उसके बाद ऑप्शन आते हैं रिज्यूमे हेडलाइन की। रिज्यूमे हेडलाइन एक ऐसी चीज होती है जो कि कभी भी कोई भी रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल को देखता है तो सबसे पहली उसकी नजर रिज्यूमे हेडलाइन पर ही जाती है। तो इसको आप जितना अच्छे तरीके से लिख सकते हो उतने अच्छे तरीके से जरूर लिखिएगा। तो अभी के केस में आप यहां पर एड रिज्यूमे हेडलाइन पर जाकर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास एक टैब खुल जाएगा। यहां पर आप वो सारी की सारी चीजें लिख सकते हो जो आप चाहते हो कि कोई भी रिक्रूटर आपकी जब प्रोफाइल देखे तो सबसे पहले वही चीज पढ़े, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। अभी के केस में एक डमी रिज्यूमे हेडलाइन के बारे में लिख रहा हूं, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो आप इसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से बनाकर लिखिएगा। अभी केस में जैसे मैंने लिखा है कि बीटेक इन ईसी, एबिलिटी टू वर्क विद C++, पाइथन, जावा एंड PHP, कैन वर्क वेल अंडर प्रेशर एंड मेक द बेस्ट ऑफ एनी सिचुएशन, पैशनेट इंडिविजुअल विद ग्रेट इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद आपको सेव बटन पर जाकर क्लिक करना है। रिज्यूमे हेडलाइन के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होते हैं की स्किल्स। की स्किल्स में आपको वो सारे के सारे स्किल्स मेंशन करने की जरूरत होती है जो कि आपको आते हैं टेक्निकली या फिर नॉन टेक्निकली, जो भी स्किल्स आपके पास होते हैं आपको वो सारे के सारे स्किल्स वहां पर मेंशन करने की जरूरत होती है। अभी के केस में जब आप ऐड की स्किल्स पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उस पर आपको जो जो भी आता होगा अभी केस में, जैसे पाइथन, जेंगो, C++, मशीन लर्निंग, जावा, बैकएंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपको उस टाइम पे आता होगा आप वो सारी की सारी की स्किल्स यहां पर मेंशन कर सकते हैं। अभी के केस में मैं रैंडमली कुछ भी यहां पर टाइप कर रहा हूं, लेकिन आपके केस में जो भी आपको आता होगा आपको वही चीजें मेंशन करने की जरूरत होगी। उसके बाद जब आप सेव बटन पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी एक लिमिट होती है कि आप सिर्फ और सिर्फ 250 कैरेक्टर तक ही यहां पर की स्किल्स मेंशन कर सकते हो। तो 250 कैरेक्टर के अंदर जितने भी स्किल्स आपके आते होंगे उन सबको टाइप कर यहां पर सेव जरूर कर दीजिएगा। देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन होती है एड एम्प्लॉयमेंट की, लेकिन आप अभी एक फ्रेशर हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस चीज को ब्लैंक छोड़ सकते हो। लेकिन कई बार बहुत सारे लोगों ने इंटर्नशिप की होती है तो आप इंटर्नशिप वाला एक्सपीरियंस यहां पर जाकर मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आप दो टैब देख रहे होंगे, एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप फुल टाइम या फिर इंटर्नशिप। इसमें आप इंटर्नशिप पर जाकर क्लिक करिए और जितनी भी आपकी डिटेल होगी उन सबको फिल कर दीजिएगा। अभी के केस में मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप एक फ्रेशर हो जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं। उसके बाद ऑप्शन आती है आपकी एड एजुकेशन की। यहां पर आपकी जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी आपको वो सारी की सारी डिटेल डालने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले मैं एड ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमे पे जाकर क्लिक करता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कि आपका एक डायलॉग बॉक्स खुल गया जिसमें आपको यूनिवर्सिटी का नाम या फिर इंस्टीट्यूट का नाम, कोर्स क्या आपने किया, स्पेसिफिकेशन आपकी क्या थी, कोर्स का टाइप क्या था, कोर्स ड्यूरेशन कितनी थी और आपकी ग्रेडिंग कितनी थी, वो सारी की सारी डिटेल मेंशन करने की जरूरत होती है।
देन उसके बाद आप ये सेम चीज 12th और 10th क्लास के लिए भी कर सकते हैं कि कौन कौन सा आपका कॉलेज था, आपका बोर्ड कौन सा था, आपके कितने मार्क्स आए थे, वो सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पर बड़ी आसानी से डाल सकते हैं। देन उसके बाद ऑप्शन होती है आईटी स्किल्स की, जो कि आईटी कंपनीज में डेफिनेटली यूज होंगे, आपको वो सारी स्किल्स मेंशन करने की जरूरत होती है। तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा वो स्किल्स मेंशन करें जो कि आपको बहुत ही ज्यादा आते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रॉपरली डिटेल में बताना होता है कि कौन सा वर्जन आपने यूज किया, कब आपका कितना एक्सपीरियंस था इस पर्टिकुलर चीज को यूज करने में, वो सारी की सारी चीजें मेंशन करने की जरूरत होती है। तो अभी के केस में जैसे मैं पाइथन मेंशन कर रहा हूँ कि मुझे एक साल का एक्सपीरियंस है, मैंने पर्सनली पाइथन बहुत ज्यादा यूज की है, तो मैं उस सब चीजों के बारे में यहाँ पर लिख सकता हूँ। उसी तरह से आपके पास जो भी स्किल सेट होंगे आप वो सारे के सारे स्किल सेट यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। देन उसके बाद आता है ऐड प्रोजेक्ट की ऑप्शन। यहाँ पर आपने जो भी अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बनाया होगा आपको वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर लिखने की जरूरत होती है। सिंस आपने किसी भी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, तो आपने अपना जो पर्सनल प्रोजेक्ट बनाया होगा अपने कॉलेज लेवल पर आप वो सब चीजों के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। देन उसके बाद ऑप्शन होते हैं प्रोफाइल समरी की। इसमें आपको अपने बारे में काफी ज्यादा डिटेल में बताना होता है कि आप क्या करते हो, आपका प्रॉपर प्रोफेशन क्या है, आप किस चीज में जाना चाहते हो, उन सब चीजों के बारे में आप बता सकते हो। अभी के लिए अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा कि आप इंटरनेट पर जाइए, वहां पर जो भी प्रोफाइल समरी के बारे में आप सर्च कर सकते हो, जो भी आपको लगता हो कि ये सबसे रिलेटेबल है मेरे, आप उसके बारे में लिख सकते हो। तो अभी के केस में यही चीज कर रहा हूं। उसके बाद बात करते हैं आपकी अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में। बहुत सारे लोगों की अकम्प्लिशमेंट्स होती हैं कि वो सोशल मीडिया पर जाकर काफी ज्यादा छाए हुए हैं, तो आप उन सब चीजों को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपके ऑनलाइन प्रोफाइल के लिंक, यहाँ पर आप लिंक्डइन या फिर फेसबुक या फिर कोई भी इंस्टाग्राम के हैंडल यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आपका वर्क सैंपल, जो कि आपके गिटहब पर जाकर उनको चीजें मिल जाएंगी, आप वो सारे के सारे लिंक यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई भी पब्लिकेशन होगा आप उसको जाकर मेंशन कर सकते हो। आपने कोई ऐसी प्रेजेंटेशन बनाई होगी जो कि आपको लगता हो कि दूसरे बंदे को दिखानी चाहिए, आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हो। कोई भी आपका पेटेंट हो आप वहां पर जाकर कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेशन की हो तो यहाँ पर आपको ऐड करने की जरूरत है, आप उसके सारी की सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये सारी की सारी ऑप्शनल चीजें होती हैं, अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालती। लेकिन हाँ, अगर आपने कुछ ऐसे तोड़फोड़ प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो उनको तो मैं आपको यही चीज कहूंगा कि डेफिनेटली आप लिंक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, गिटहब के लिंक में उनको मेंशन जरूर कीजिएगा, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। देन उसके बाद ऑप्शन होते हैं करियर प्रोफाइल की। इसमें आपको सारी की सारी डिटेल डेफिनेटली फिल करने की जरूरत होती है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आपकी प्रोफाइल जो होती है वो रैंक करती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर ऑप्शंस देख रहे हैं, एट करंट इंडस्ट्री, एट डिपार्टमेंट, एट डिजायर्ड जॉब टाइप, सारी की सारी चीजें आपको फिल करने की जरूरत होती है। इसमें आपको ये चीज बतानी होती है कि आप जो फ्यूचर में कंपनी चाहते हो या फिर जिस तरह का काम चाहते हो वो सारी चीजें क्या है, और आपको यहाँ पर वो सब चीजें मेंशन करने की जरूरत होती है। अब अगर मैं ही आपको करियर प्रोफाइल फिल करके बताऊं तो किस तरह से बता सकता हूं। अब अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाना चाहते हो, वहां पर फुल स्टैक डेवलपर या फिर बैकएंड डेवलपर की पोस्ट लेना चाहते हो, तो आपको ये सारी की सारी डिटेल इस तरह से मेंशन करने की जरूरत होती है। उसके अलावा जो भी आपकी प्रेफर्ड वर्क लोकेशन होगी आप उस अकॉर्डिंग की सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। और जब आप ये सारी की सारी चीजें मेंशन कर देंगे उसके बाद आपको सेव पर जाकर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पर फिल करने की जरूरत होती है। देन उसके बाद बात करते हैं एक्सपेक्टेड सैलरी के बारे में। तो इसमें मैं आपको यही चीज कहूंगा कि एज ए फ्रेशर आपको वहां पर जीरो लिखने की जरूरत होती है, क्योंकि क्या होता है ना कि एज ए फ्रेशर अगर आप पहले ही वहां पर लिख दोगे कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख, तो लोग आपके प्रोफाइल को जाकर छेड़ेंगे ही नहीं, आपका प्रोफाइल जब वो फिल्टर आउट करेंगे तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं उस चीज से बचाने के लिए आपको कह रहा हूं कि एक्सपेक्टेड सैलरी में हमेशा जीरो ही डालकर रखिए, ताकि आपके प्रोफाइल कम से कम वहां पर शो तो हो। देन उसके बाद बात करते हैं पर्सनल डिटेल्स के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज होती है, तो इसलिए ये चीज मैंडेटरी नहीं है। अगर आप वहां पर कुछ भी फिल नहीं करोगे तो उसका भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये चीज कहूंगा कि जितनी भी आपको लगता है मिनिमल चीजें आप वहां पर मेंशन कर सकते हो, आप वो सब चीजें वहां पर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, इस चीज का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। देन उसके बाद आप अपनी मिसिंग डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। जो भी आपका नंबर वेरीफाई करना होगा या फिर आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना होगा, आप वो सारा का सारा वेरीफाई कर सकते हैं। और उसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि अपनी फोटो डेफिनेटली naukri.com की प्रोफाइल पर जरूर लगाकर रखिएगा। देन उसके बाद जब आपकी सारी की सारी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाती है, देन उसके बाद आपको जॉब सर्च करने की जरूरत होती है। तो इसके लिए आप जो सबसे ऊपर टैब है जॉब वाला, वहां पर जाकर आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद रेकमेंडेड जॉब जो कि आपके प्रोफाइल के लिए बनाई गई हैं, उस अकॉर्डिंग आपको कुछ जॉब्स रेकमेंड होंगी वहां पर, आप वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जॉब के लिए। जो भी आपने स्किल सेट वहां पर मेंशन करे होंगे, जितना भी एक्सपीरियंस आपने मेंशन करा होगा, उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर आपको रेकमेंडेड जॉब्स आ जाएंगी, आप किसी पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी में या फिर कोई पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कोई प्रोफाइल सर्च करनी है तो आप ऊपर जाकर सर्च पे क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा जैसी भी आपकी प्रोफाइल होगी, किस में जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, फ्रेशर, बैंगलोर में जॉब चाहिए या फिर पुणे में जॉब चाहिए, वो सारी डिटेल मैं डालूंगा। उसके बाद जब मैं इनको सर्च करूंगा तो मुझे वही सारी रिलेटेबल प्रोफाइल आ जाएंगी जिसमें मैं किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकता हूं। उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस भी होते हैं कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट पर जाकर क्लिक कर सकते हो कि इसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ये पर्टिकुलर रोल चाहिए, आप वो सारी की सारी डिटेल यहां पर फिल करके प्रॉपरली फिल्टरिंग कर सकते हो जिस भी तरह
कि आपको जॉब चाहिए। और उसके अलावा मान लो कि आपको कोई पर्टिकुलर कंपनी चाहिए तो कंपनी का फिल्टर भी यहाँ पर है, आप किसी भी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो, उसके अलावा लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी फिल्टरिंग आप यहाँ पर प्रॉपरली साइड लेफ्ट साइड पर दिया हो, आप किसी भी तरह की फिल्टरिंग यहाँ पर अप्लाई करके उस तरह की जॉब को सर्च कर सकते हो और उसके बाद वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद जब आप ये सब चीजें अप्लाई कर लोगे तो कुछ दिनों के बाद आपको अपना ग्राफ देखने की जरूरत होती है कि आपकी प्रोफाइल किस तरह से रैंक कर रही है, क्या क्या कीवर्ड्स हैं जो कि लोगों को शो हो रहे हैं, रिक्रूटर्स को शो हो रहे हैं। आपको सारी की सारी डिटेल अपने प्रोफाइल परफॉर्मेंस में जाकर मिल जाएगी। जब आप लेफ्ट साइड पर जाकर इस प्रोफाइल परफॉर्मेंस पर जाकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली ग्राफ दिखेगा कि कितनी बार आपकी प्रोफाइल लोगों की सर्च हिस्ट्री में है या फिर कितने लोगों ने आपको ढूंढा, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। और उसके अलावा कौन कौन से कीवर्ड्स यूज किए गए थे आपकी प्रोफाइल को सर्च करने के लिए, उन सारे के सारे कीवर्ड्स की डिटेल भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी Naukri.com की प्रोफाइल प्रॉपरली सेटअप कर सकते हो। तो आई होप कि इसको सेटअप करने में आपको किसी भी तरह की डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने Naukri.com का एल्गोरिथम एक्सप्लेन करके बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आई वुड सजेस्ट यू कि उस वीडियो को डेफिनेटली देखिएगा। उसको देखने के बाद जो जो भी ट्रिक्स मैंने आपको वहां पर मेंशन करी होंगी, वो सारी की सारी ट्रिक्स अपनी प्रोफाइल पर मेंशन करिएगा। उन सब ट्रिक्स को अप्लाई करने के बाद आपको डेफिनेटली कोई ना कोई कॉल तो जरूर आएगा। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।